तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपना जो कि स्पैम कमेंट्स आ रहा है गाइस बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे रोका जा सकता है गाइस। तो इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको पहले स्पैम कमेंट दिखा देता हूँ, कितना सारा स्पैम कमेंट आ रहा है मेरे वेबसाइट पर। तो यहाँ देखिए, कॉमेंट्स पर जैसे जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर बहुत सारा स्पैम कमेंट्स आ रहा है। ये सब गाइस जो कि आपके वेबसाइट को एकदम बंजर बना देगा। तो इसलिए सबको रोकने के लिए आपको कैसे आपको करना है, क्या करना है, सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला। तो गाइस, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस, सबसे पहले आपको प्लगइन पर जाना है। प्लगइन पर यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एंटी स्पैम करके आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। प्लगइन पर जाकर उसके बाद यहाँ पर सर्च वाला पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर एंटी स्पैम आपको प्लगइन का सर्च कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये सर्च होगा, उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ये प्लगइन आपको देख सकते हो गाइस, ये प्लगइन सबसे बेस्ट प्लगइन है। तो गाइस, इसको इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर एक्टिवेट इसको कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इसका सेटअप करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर सीधे आपको सेटअप पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इसका सेटअप नई पेज पर ओपन होगा, तो यहाँ पर यह कोई मंथली पेड भी रहता है गाइस, तो आपको बिल्कुल फ्री वाला करना है। तो यहाँ पर गेट पर्सन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो डॉलर का सिंबल रहेगा, उसको आपको जीरो कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो फ्री में करना है तो जीरो कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, नाम और वेबसाइट का नाम आपको भर लेना है, फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया। यहाँ पर उसके बाद टिक कर देना है तीनों को। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर कर देना है। जैसे इस पर आप कंटिन्यू पर करोगे तो उसके बाद यहाँ पर एक ओटीपी आपका ईमेल आईडी पर जाएगा। तो गाइस, उस ओटीपी को कोड को आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर इस तरह का कुछ आया था ओटीपी, तो मैं इसको यहाँ पर भर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप डाल दोगे ओटीपी, उसके बाद आपको बस कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको टाइप कर दिया, आप कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा न्यू पेज का ओपन हो जाएगा। तो गाइस, चलिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा अपन न्यू पेज पर ओपन हो गया था। अब ईमेल आईडी में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर एपीआई की आपको एक दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, अब एपीआई पर की पर यहाँ पर बैक जाकर यहाँ पर मिनिमली आपको एपीआई की ईमेल आईडी पर मिला होगा, उसको बस यहाँ पेस्ट कर देना और फिर कंटिन्यू भी एपीआई पर आपको क्लिक कर देना रहेगा। बस सिंपल सा है, ईमेल आईडी आपको दोबारा एपीआई की मिलेगा, उसको यहाँ पर फिल कर देना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस तरह का कुछ सेटिंग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको शो वाला पर क्लिक करना है, बस यहाँ पर ही आपको क्लिक करना रहेगा। तो इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा करना, बस इस पर आपको एक टिक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंज पर आपको क्लिक कर देना रहेगा। तो गाइस, यहाँ पर बस आप सेव चेंज पर कर देना। बस अब आपका जो भी स्पैम कॉमेंट आएगा वो सारा चीज़ अब फिक्स हो जाएगा, मतलब अब नहीं आएगा स्पैम कॉमेंट। तो गाइस, इस तरह का आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। सी बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।